नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश में मैं आज आपकी एक फरमाइश पूरी करने जा रहा हूं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से आंवले का मुरब्बा बनाए घर में। बिल्कुल आसान तरीका आपको बताऊंगा मैं। तो ये देखिए, मेरे पास आंवले हैं, बहुत सारे आंवले हैं मेरे पास। तो ये मैं जो है इसमें से सबसे पहले तो आप बाजार जाएँ तो अच्छे आंवले लाएँ, बिल्कुल मोटे तंदुरुस्त आंवले लाएँ, छोटे ना लाए, और उसमें कोई दाग वाग नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये देखिए, इसमें कोई दाग वाग नहीं है। तो ये देखिए, तो ये दाग है तो इसको आप अलग कर दीजिए, ये किसी काम का नहीं है। तो इसको हम अलग कर देंगे। तो ये जो है किस तरह से करना है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये है और ये चम्मच है मेरे पास, तो मैं इसे इसमें गड्ढा करूँगा। काटा है मेरे पास, तो ये देखिए इस तरह से मैं जो है इसको इसके अंदर चारों तरफ से होल करूंगा। देखिए इस तरह से। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि जब मैं इसको जो है फिटकरी के पानी में डालूंगा तो इसके अंदर में जो फिटकरी का पानी हल्का सा चला जाएगा और इसके अंदर में जो कसैलापन होता है आंवले में वो जो है निकल जाएगा। तो इसको पहले करना किस तरह से, ये देखिए। तो इस तरह से आपको चारों तरफ से इसको अच्छी तरीके से, ये इस तरह से, तो इस तरह से करना है। दोस्तों ये देखिए, आधा चम्मच फिटकरी है, मैं इसको पानी में डालूंगा और इसको धो दूंगा। और घोलने के बाद मैंने जो आंवला जो है गोद के रखा हुआ है, अभी जो मैंने गोदा था, ये देखिए, तो इस तरह से गोद के रखा हुआ सब इसी में डालूंगा और 2 दिन तक के लिए इसको इसी में छोड़ दूंगा मैं। तो दोस्तों, आधा किलो आंवले में आपको जो है आधा चम्मच जो है फिटकरी का पानी बनाना है, उसमें डालना है 2 दिन के लिए। और इसमें करीब 750 ग्राम आपको शक्कर लगेगी। तो ये जो है अभी, तो ये 2 दिन बाद, जब मैं इसको, जब 2 दिन हो जाएगा उसके बाद मैं जो है इसको मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका रंग कैसे बदल गया है। तो दोस्तों 2 दिन हो गए ये फिटकरी में भिगे हुए। अब मैं इसको अच्छे से धोऊंगा और इसका मुरब्बा बनाएंगे। तो सबसे पहले फिटकरी के पानी को मैं धोऊंगा, तो फ्रेश पानी से धोऊंगा मैं। दोस्तों ये देखिए, आंवले का कलर कैसे बदल गया। ये 2 दिन मैंने फिटकरी के पानी में रखा था, अभी इसको मैं अच्छे से धो चुका हूँ। तो देखिए सारे आंवले कैसे रंग बदल चुके हैं। अब इनको मैं पानी में उबालूंगा 10 से 12 मिनट के लिए। इसे ना ज़्यादा मैं जो है क्या बोलते, बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाऊंगा, नहीं तो ये बेकार हो जाएगा। 10 से 12 मिनट ही तक पकाऊंगा मध्यम आंच में। तो ये देखिए, तो दोस्तों ये जो है इसे पहले 5 मिनट तक के एकदम तेज आंच में रखना है। फिर तो उसके बाद 5 से 7 मिनट के बाद जो है इसको धीमी आंच कर देना है। यानी कि जब शुरू के 5 मिनट रहेंगे उसमें उबलने चाहिए बिल्कुल आंवले, और फिर उसके बाद 5 से 7 मिनट तक के जो है मध्यम आंच में रखें, और बहुत ज़्यादा पकना भी नहीं चाहिए। इसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो दोस्तों ये आंवले देखो उबल चुके हैं। अब इसे हम डालेंगे एक पतीली में, खाली पतीली में। ये आधा किलो आंवला है, इस आधे के लिए आंवले में हम डालेंगे 750 ग्राम शक्कर जो हम निकाल रखे हैं। देखिए तो हम इसको डालेंगे इसके ऊपर से। और इसको डालकर ढक देंगे। इसे ढक देंगे।
आंवला जो है अपने गर्मी से जो है चीनी को धीरे धीरे गलाएगा, दोस्तों आंवला अभी अपना पानी छोड़ेगा, उबला हुआ है तो इसमें थोड़े बहुत पानी है, तो थोड़ा बहुत पानी छोड़ेगा वो, तो जो ये शक्कर जो है मैंने डायरेक्ट डाल दिया, ऊपर से ढक दिया है, तो ये 3 से 4 घंटे बाद ये अपने आप चाशनी बन जाएगी। दोस्तों ये जो है चाशनी जो है अभी मैं इसको गाड़ी कर रहा हूँ, और 5 घंटा, दोस्तों 5 घंटे हो चुके हैं, 5 घंटे होने के बाद जो है शक्कर और आंवले का जो पानी है वो आपस में मिलके एक पाक बन गया है, तो अभी मैं इसको पका रहा हूँ, थोड़ा पतला है तो अभी मैं इसको पकाऊंगा, थोड़ा इसमें जो देखिए अभी जो है एक तार का हुआ नहीं है, ये जैसे एक तार का हो जाएगा तब तक मैं इसको पकाऊंगा। दोस्तों ये है केसर है, इसे 10 से 12 मैं इसको डंठल डालूंगा, और दोस्तों ये आंवला जो है देखिए अब ये हो चुका है, एक तार की चाशनी बन चुकी है। अब ये जो केसर है इसको मैं 2-3 पत्ता इसका डालूंगा इसमें, और ये देखिए, और ये है काला नमक और ये है काली मिर्च, तो ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, तो मैं इसमें डाल रहा हूँ। आइए सबसे पहले मैं डालूंगा इसमें केसर, देखिए केसर डालूंगा इसमें, केसर डालूंगा इसमें, केसर हो गया है, अब इसमें डालूंगा मैं काला नमक, काला नमक, और उसके बाद ये काली मिर्च का पाउडर है, तो ये 8 से 10 जो काली मिर्च है उसका पाउडर है ये, और उसमें नमक है थोड़ा सा। अब ये इसको ये जो है हमारे मिश्रण को अच्छे से मिला देता हूँ, तो ये जो आपको सामग्री डालनी है जब गर्म रहे उसी समय डालनी है ताकि इसमें अच्छे से रस बच जाए। दोस्तों अभी ये चाशनी थोड़ी सी पतली है तो मैं इसको अभी पकाऊंगा और इसको गाढ़ा करूंगा, तो अभी मैं इसको पकाऊंगा। दोस्तों ये देखिए ये जो है ये तैयार हो चुका है, और इसको मैंने रात को जो चाशनी बनाई थी और उसी में इसको डाल रखा है, और इसमें मैंने देखिए रात भर ये इसी चाशनी में था, और देखिए इसमें केसर डाला है तो देखो केसर का रंग भी आ गया, कितना सुंदर लग रहा है। तो अभी हमें इसको जो है सीधा अपने जो है कांच के जार में इसको आपको रखना है, और 2 साल तक आप इसका आनंद उठा सकते हैं। तो दोस्तों आंवले से संबंधित ये जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो इसी के साथ अपने मित्र प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।